पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सदाबहार और माजी की मकबूल अदाकारा महनूर बलोच ने हालिया दौर में अदाकारी ना करने की वजह बता दी। हाल ही में महनूर बलोच और अदाकार नुमान मसूद एक प्रोग्राम में शरीक हुए, जिसमें मेजबान जवेरिया साउद ने महनूर बलोच से अदाकारी ना करने से मुतालिक एक सवाल किया। जवाब में महनूर बलोच ने कहा कि पाकिस्तान में रवायत से हटकर इस तरह के स्क्रिप्ट या प्रोजेक्ट्स नहीं बनते जिससे वो मुतमईन हो या जो उनकी मर्जी के मुताबिक हो। महनूर बलोच का कहना था कि पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में महदूद मौजूदात और किरदारों पर काम किया जाता है, हमारी इंडस्ट्री उस सतह पर नहीं पहुंची। ये खवातीन अदाकारों के लिए बदकिस्मती है कि उन्हें चंद किरदारों तक मुख्तस कर दिया है कि उन्होंने इस उम्र तक ये किरदार अदा करने हैं। महनूर के मुताबिक इंडस्ट्री की उम्र दराज खवातीन के लिए माकूल किरदार नहीं लिखे जाते, कहानियां वही घिसी-पिटी होती हैं। अगर हम गैर मुल्की कंटेंट देखें तो वहाँ हर उम्र की अपनी कहानी होती है, हमारे यहाँ अब तक वही कहानी है कि एक था लड़का एक थी लड़की। महनूर ने शिकवा किया कि मर्द बचपन तक भी लड़का रहता है। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में 60 साल के बूढ़े मर्द को भी लड़के के तौर पर दिखाकर उसे कम उम्र लड़की से इश्क करते दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बुरी और गलत बात है। जब मर्द को लड़के के तौर पर दिखाकर पेश किया जाता है तो ये इंतहाई अजीब लगता है। आज से 10-15 साल पहले ये चल जाता था लेकिन ये अब नहीं चलता। महनूर ने यह भी एतराफ किया कि अभी वो किसी ड्रामे या फिल्म में नजर नहीं आने वाली और वो तब तक स्क्रीन पर दिखाई नहीं देंगी जब तक उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से अच्छे किरदार की पेशकश नहीं की जाती।